केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के जीवन में जिस तरह का परिवर्तन किया है, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है कि वो कैसे सरकार की आलोचना कर सके या सरकार को घेर सके। इसीलिए विपक्ष लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कैसे पूरे चुनाव को मजहबी ध्रुवीकरण पर लाया जा सके, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके, कैसे मजहबी कट्टरपन फैलाया जा सके। इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं में यह होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज्यादा ऐसा बयान दे सकता है जिससे डर का वातावरण व्याप्त हो और ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन ये सारे प्रयास विफल होंगे, चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर डबल इंजन की सरकार को हरा पाना विपक्ष के बूती का नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।